माला की पाकशाला। आज माला की पाकशाला में बनने वाला है क्रीमी कस्टर्ड, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यह देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने करीब 5 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध ले लिया है। इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच, और ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये वनीला फ्लेवर ही लें, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको हम मिलाकर अच्छी सी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह की, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अब इसे रख देते हैं साइड और चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक गहरा बर्तन ले लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 किलो फुल क्रीम दूध। दूध को अच्छे से गर्म होने देते हैं, और जो गैस का फ्लेम है वो हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए, दूध में बॉईल आ गया है। अब इसको करीब हम 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, दूध हमारा पक गया है अच्छे से। अब गैस की जो फ्लेम है वो स्लो कर दीजिए, और हमने जो कस्टर्ड स्लरी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम करीब 2 से 3 मिनट तक लगातार हिलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो जो कस्टर्ड है वो नीचे चिपक कर जल जाएगा। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक हो गई है। अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको करीब हम 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, लेकिन इसको चलाते लगातार रहें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। अब हम इसको गैस पे से उतार लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बटर। इसको करिए अच्छे से मिक्स। देखिए, बटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए, यानी चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए लीजिए एक मिक्सिंग बाउल। इसमें डालेंगे थोड़े से अनारदाना। एक ऑरेंज को छील लिया है मैंने, उसके सारे रेशे निकाल लिए हैं। थोड़े से ग्रेप्स, 1 स्ट्रॉबेरी। फ्रूट्स इसमें आप अपने अनुसार कोई भी डाल सकते हैं। 1 एप्पल। इसको रख देते हैं साइड। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड जो है एकदम चिल्ड हो गया है। कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हुई है, देखिए। अब इसको रख देते हैं साइड और डाल लेते हैं फ्रूट्स के ऊपर। करते हैं अच्छे से मिक्स। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। कितना अच्छा कस्टर्ड लग रहा है हमारा, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। तो इसी तरह की टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी बनाई हुई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।